जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आज के इस वीडियो में, जहां हम भारतीय महिलाओं के बारे में पढ़ने वाले हैं, अर्थात फर्स्ट वुमेन इन इंडिया। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति श्रीमती प्रतिभा देवी सिंह पाटिल थी और भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी थी। ये दोनों क्वेश्चन तो आप सभी को मालूम है। अब आइए हम आगे बढ़ते हैं। भारत की प्रथम महिला लोकसभा अध्यक्ष कौन थी? तो उनका नाम है श्रीमती मीरा कुमार। और भारत की प्रथम महिला राज्यसभा उपाध्यक्ष कौन थी? तो वायलेट अलवा। भारत की प्रथम महिला सांसद कौन थी? तो राधाबाई सुब्बारायण, या भारत की प्रथम महिला थी जिनको सांसद चयनित किया गया था। भारत की प्रथम महिला राज्यपाल कौन थी? तो सरोजिनी नायडू। और एक क्वेश्चन आपसे और पूछा जाता है कि सरोजिनी नायडू जो थी वो किस राज्य की राज्यपाल थी? तो याद रखिएगा, वो उत्तर प्रदेश राज्य की राज्यपाल थी। भारत की प्रथम महिला शासिका कौन थी? रजिया सुल्तान। रजिया सुल्तान का नाम इतिहास में वर्णित है। रजिया सुल्तान गुलाम वंश के समय में इल्तुतमिश की बेटी थी। इल्तुतमिश जो था उसको रियल फाउंडर ऑफ स्लेव डायनेस्टी कहा जाता था, अर्थात गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक इल्तुतमिश को कहा जाता है। दिल्ली स्थित जो कुतुब मीनार है, उस कुतुब मीनार का निर्माण कार्य कुतुबुद्दीन ऐबक ने शुरू कराया था, लेकिन उसको पूरा करने का कार्य किसने किया था? तो इल्तुतमिश ने इस कुतुब मीनार का काम पूरा किया था, और इसी इल्तुतमिश की बेटी थी रजिया सुल्तान, और रजिया सुल्तान भारत की प्रथम महिला शासिका भी थी। 8 नंबर क्वेश्चन है इसमें, भारत की प्रथम महिला IAS कौन थी? प्रथम महिला IAS अन्ना जॉर्ज थी, और IAS का फुल फॉर्म क्या होता है? इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज। भारत की प्रथम महिला IPS कौन थी? तो किरण बेदी। IPS का फुल फॉर्म क्या होता है? इंडियन पुलिस सर्विस। क्या होता है? इंडियन पुलिस सर्विसेज। ठीक, अब भैया आगे बढ़ते हैं। भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? तो प्रथम महिला मुख्यमंत्री सुचिता कृपलानी थी, और यह भी उत्तर प्रदेश राज्य की मुख्यमंत्री थी, और यह भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री थी सुचिता कृपलानी। भारत की प्रथम महिला केंद्रीय मंत्री राजकुमारी अमृता कौर थी। भारत की प्रथम महिला कांग्रेस अध्यक्ष एनी बेसेंट थी। कांग्रेस के स्थापना में इनका भी बड़ा सहयोग था, और यह प्रथम महिला कांग्रेस की अध्यक्ष भी रहीं। सुप्रीम कोर्ट की प्रथम महिला न्यायाधीश फातिमा बीवी थी। और हाई कोर्ट, किसी भी राज्य का जो है, आपको पता हो नेशनल लेवल पे जो होता है वो सुप्रीम कोर्ट होता है, राज्य स्तर पे जो होता है वो हाई कोर्ट होता है, और डिस्ट्रिक्ट लेवल पर जो होता है वो सिविल कोर्ट होता है। तो हाई कोर्ट जो था वो किसी भी राज्य की हाई कोर्ट की, अर्थात उच्च न्यायालय की प्रथम महिला मुख्य न्यायाधीश थी लीला सेठ। और यह किस राज्य के उच्च न्यायालय की मुख्य न्यायाधीश थी? तो याद रखिएगा, हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश जो राज्य है उस राज्य का उच्च न्यायालय की अब महिला मुख्य न्यायाधीश थी, और यह भारत की प्रथम महिला मुख्य न्यायाधीश थी जो किसी भी उच्च न्यायालय में इनका चयन हुआ था। तो लीला सेठ, याद रखिएगा, उच्च न्यायालय की प्रथम महिला मुख्य न्यायाधीश कौन थी? लीला सेठ। इसमें 15 नंबर क्वेश्चन है, भारत की प्रथम महिला सत्र न्यायाधीश कौन थी? अन्ना चांडी, और यह केरल की थी। सत्र न्यायाधीश का क्या अर्थ है? इसका अर्थ होता है सेशन जज। सेशन जज जो थी वो अन्ना चांडी थी। अशोक चक्र पाने वाली प्रथम महिला कौन थी? नीरजा भनोट। अशोक चक्र, देखिए अशोक चक्र क्या है? तो अशोक चक्र शांति के क्षेत्र में वीरता के लिए दिया गया सबसे सर्वोच्च पुरस्कार है। यह राष्ट्रपति के द्वारा दिया जाता है अशोक चक्र, और इस अशोक चक्र को पाने वाली प्रथम भारतीय महिला नीरजा भनोट थी। संयुक्त राष्ट्र संघ की पहली महिला राजदूत कौन थी? विजया लक्ष्मी पंडित जो थी वो यूनाइटेड नेशन की पहली महिला राजदूत थी। और अगर आपसे पूछा जाए यूनाइटेड नेशन की स्थापना कब हुआ था, तो वो हुआ था 24 अक्टूबर 1945 को, और हर साल 24 अक्टूबर को संयुक्त राष्ट्र स्थापना दिवस भी मनाया जाता है। नोबेल पुरस्कार विजेता प्रथम भारतीय महिला कौन थी? तो मदर टेरेसा को सन 1979 में नोबेल प्राइज दिया गया था, और इसके अगले साल ही 1980 में भारत सरकार ने, जो कि भारत का सबसे वरिष्ठ पुरस्कार है, भारत रत्न भी इनको इसके अगले साल दिया गया था। 1979 में नोबेल पुरस्कार इन्होंने जीता था, और 1980 में इन्हें भारत रत्न से भी सम्मानित किया गया था। एवरेस्ट शिखर पर पहुंचने वाली प्रथम महिला वछेंद्री पाल।
मिस वर्ल्ड बनने वाली प्रथम महिला थी कुमारी रीता फारिया, और मिस यूनिवर्स बनने वाली भारत की प्रथम महिला थी सुष्मिता सेन। भारत की प्रथम महिला कौन थी जिन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया था, अगर आपसे पूछा जाए तो आपका आंसर होगा श्रीमती इंदिरा गांधी। श्रीमती इंदिरा गांधी भारत की प्रथम महिला थी जिन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। भारत की प्रथम महिला ज्ञानपीठ पुरस्कार किस महिला को दिया गया था, तो आशा पूर्णा देवी। ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है, तो यह शिक्षा के क्षेत्र में दिया जाता है। शिक्षा के क्षेत्र में ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया जाता है। ठीक, अब आइए आगे बढ़ते हैं। भारत की प्रथम महिला जो कि वायुसेना के पायलट के रूप में कार्य किया, उनका नाम है हरित कौर दयाल। भारत की प्रथम महिला थी हरित कौर दयाल जिन्हें वायुसेना में पायलट बनने का सौभाग्य प्राप्त है। भारत की प्रथम महिला लेफ्टिनेंट जनरल पुनीत अरोड़ा थी। भारत की प्रथम एयर वाइस मार्शल पी बंदोपाध्याय थी। भारत की प्रथम महिला अंतरिक्ष यात्री कल्पना चावला। कल्पना चावला का नाम तो आप सबने सुना होगा। यह भारत की प्रथम महिला अंतरिक्ष यात्री थी जिन्हें कोलंबिया स्पेस शटल से कोलंबिया स्पेस शटल से अपने 6 सहयोगियों के साथ में इन्होंने 1997 में अपनी यात्रा शुरुआत किया था। और यह भारत की प्रथम महिला थी जिन्हें अंतरिक्ष में जाने का सौभाग्य प्राप्त है। ऑस्कर पुरस्कार प्राप्त करने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी, तो भानु अथैया। अगर आपसे पूछा जाए ऑस्कर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है, तो यह फिल्म जगत का पुरस्कार है। यह फिल्म जगत से जुड़े लोगों को दिया जाता है। ऑस्कर पुरस्कार फिल्मी जगत में दिया जाता है, और ऑस्कर पुरस्कार प्राप्त करने वाली प्रथम भारतीय महिला भानु अथैया थी। साहित्य अकादमी पुरस्कार जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला अमृता कौर दयाल जो थी, उन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था पहली बार। ओलंपिक खेल में भाग लेने वाली प्रथम महिला मैरी लीला राव थी, और भारतीय सिनेमा की प्रथम अभिनेत्री अर्थात एक्ट्रेस। इंडियन सिनेमा जगत की प्रथम एक्ट्रेस का नाम क्या है, देविका रानी रोरिक। भारतीय सिनेमा की प्रथम अभिनेत्री देविका रानी रोरिक थी। राष्ट्रीय महिला आयोग के पद पर चयनित होने वाली प्रथम महिला जयंती पटनायक थी। ओलंपिक में मुक्केबाजी में कांस्य पदक जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी, तो मैरी कॉम। ओलंपिक में मैरी कॉम ने कांस्य पदक जीता था, और यह भारत की तरफ से पहली बार जीता गया कांस्य पदक था मुक्केबाजी खेल में ओलंपिक में। और याद रखिएगा मैरी कॉम जो है वो 6 बार की वर्ल्ड चैंपियन भी रह चुकी हैं। मैरी कॉम अब तक 6 बार वर्ल्ड चैंपियन भी रह चुकी हैं। भारत की प्रथम महिला राज्य उपसभापति नजबुल्ला हेपतुल्ला थी। अंटार्कटिका जो कि पूरी तरह से बर्फ से हमेशा ढका रहता है, तो अंटार्कटिका पहुंचने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी, उनका नाम है मेहर मूसा। यूपीएससी भारत की प्रथम महिला अध्यक्ष। यूपीएससी जो कि यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन है, और यह भारत में लोक सेवकों को चयनित करता है। लोक सेवक या जन सेवक जो होते हैं उनका यह चयन करता है यूपीएससी। और यूपीएससी की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी, रोज मिलियन मैथ्यू जो थी, ये यूपीएससी की प्रथम महिला अध्यक्ष थी। भारत की प्रथम महिला मेयर कौन थी, तो आपका आंसर होगा तारा चिरियन। और अगर आपसे पूछा जाए भारत की प्रथम महिला मेयर किस शहर की थी, तो ये मद्रास प्रेसिडेंसी का ये मेयर थी। और मद्रास का आधुनिक नाम क्या है, चेन्नई, अर्थात ये चेन्नई शहर की मेयर थी। और यह भारत की प्रथम महिला मेयर भी थी तारा चिरियन। अर्जुन पुरस्कार से विभूषित प्रथम महिला कौन है, एन लम्सडेन। अर्जुन पुरस्कार देखिए कभी कभी आपसे पूछ लिया जाता है अर्जुन पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है, तो अर्जुन पुरस्कार खेल के क्षेत्र में दिया जाता है। खेल के क्षेत्र में अर्जुन पुरस्कार दिया जाता है, और इसमें पुरस्कार के साथ साथ विजेता को 15 लाख रुपये का नगद पुरस्कार, अर्जुन की एक प्रतिमा और एक प्रशस्ति पत्र भी दिया जाता है। तो अर्जुन पुरस्कार से विभूषित होने वाली प्रथम महिला कौन थी, एन लम्सडेन। तो चलिए दोस्तों, आशा करता हूँ आपको आज का इस वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू। जय हिंद।